हमारे खुलासे में यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि 6 दिसंबर 1992 की घटना की योजना को बहुत ही सावधानी से विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर अशोक सिंघल के संरक्षण में तैयार किया गया था। बाबरी मस्जिद को गिराने की साजिश को अंजाम देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने खुद को तैयार किया था। इस काम को इतना गुप्त रखा गया था कि इसके बारे में जानकारी सिर्फ संघ के नेताओं को ही थी। जहां विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस काम का खाका तैयार किया, वही भाजपा ने कार सेवकों को इकट्ठा करने और उन्हें अयोध्या लाने का काम किया। रमेश प्रताप उन 38 लोगों में शामिल था जिसे गुजरात के सरखेज में ट्रेनिंग दिया गया था। रमेश प्रताप ढांचे को गिराने की ट्रेनिंग से लेकर इस योजना के अंतिम समय तक इसका हिस्सा बना रहा। इस योजना की सफलता में सेना के रिटायर्ड अफसरों का भी रोल था जो इस काम की शुरू से निगरानी कर रहे थे। बाद ढांचे
व्यक्ति को तुम्हें तोड़ना, कैसे तोड़ोगे तुम जानो। व्यवस्था जो चाहिए, जो किसी भी चीज जिसकी आवश्यकता हो उसको बताओ जी। उसके लिए एक आदमी डिपोर्ट कर दिया गया जी। कौन डिपोर्ट किया गया था? राम जी गुप्ता। अच्छा जी, मिले हैं मुझे राम जी गुप्ता से। ये सारा सामान आपको देंगे जी। हमारी बैठक कौन लेंगे अभी तय कर दिया गया जी। ये थे डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान जी। इसमें देहरादून में समय वैशांत। इस काम के लिए सन 1992 के गर्मियों में गुजरात के सरखेज में 22 दिनों की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इस ट्रेनिंग में लोगों को तोड़ने की तकनीक के बारे में बताया जाता था। रामजी गुप्ता को ट्रेनिंग के लिए सामान देने की जिम्मेदारी दी गई थी। रामजी गुप्ता सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी भी था। डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान, जो कि देहरादून विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उन्हें इस ट्रेनिंग का संयोजक बनाया गया था। रमेश प्रताप की माने तो अयोध्या में 6 सितंबर से पहले एक मॉक ड्रिल भी कराया गया था और ढांचे को गिराने के लिए सभी तरह के हथियार भी दिए गए थे। रमेश प्रताप यह भी बताता है कि फायर ब्रांड चंपत राय इस यूनिट का प्रमुख था, जो कि लक्ष्मण सेना बनाने के लिए भी आरोपी था। चंपत राय को बैठकों की निगरानी भी करनी थी, लेकिन पलटाव के डर से इसने खुद को इससे अलग कर लिया था। आगे रमेश प्रताप ने और भी लोगों के नाम बताए। रमेश प्रताप यह बताते हैं कि इन लोगों का काम ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इन्हें इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना भी था। तो 2 तारीख को हमने 5 बुलाए जी, मध्य भारत से जी, धर्मेश सिंह गुर्जर जी, ग्वालियर से जी, डबरा धर्मेश सिंह गुर्जर जी, राजस्थान से हरियरलाल पारिक जी, पंजाब से अरुण खन्ना, तमिलनाडु के नागराजन। रमेश प्रताप लक्ष्मण सेना के बारे में भी खुलकर बताता है कि इसे किस तरह से तैयार किया गया था और इसमें 500 से भी ज्यादा लोग थे। रमेश प्रताप यह भी बताता है कि किस तरह से दी गई ट्रेनिंग का अयोध्या में पालन किया गया और सभी लोगों को बाबरी मस्जिद गिराने के लिए हथियारों से लैस किया गया। रमेश यह बताता है कि जय शेष अवतार की घोषणा होते ही कार सेवकों को अपने अपने काम में लग जाना था। रमेश के अनुसार जिसकी जो ड्यूटी है अपनी कार्यवाही चालू कर देगा, फिर अपने कोई भी नेता अधिकारी रोकने के लिए बोलेंगे किसी भी भाषा में, लेकिन ये बिना ब्रेक की गाड़ी खुलेगी, रुकने की नहीं। आप 50-50 लोग अपने यहाँ से जी
आतंकवादी गिरोहों को प्रमुख बनाया गया जी। 10-10 की टोली बनाई गई, 11-11 की एक प्रमुख जी, इस तरह करके रचना कर दी गई संगठन की जी। नाम रखा गया क्या? लक्ष्मण सेना जी। कार्यकर्ता को मिलाया गया, वो उसका बुलाया गया, उसका नाम नहीं याद जी। हमला जो बजरंग दल से था जी, हमारी ट्रेनिंग से नहीं जुड़ा था, नाम जी उसका नाम विस्मृत हो गया। आंध्र के लिए जी बाद में जोड़ा गया, उनको 4 तारीख को ट्रेनिंग मिलाई जी। तो इस तरह से 50-50 करके हमने सारे लोगों से जी, और फिर और संख्या उसी में से बढ़ा कर जी हमने 540 कर दी जी। टोटल 540 लोगों को, 540 हो गए हमारे पास संख्या, हमारे सेना, हमारी लक्ष्मण सेना वहाँ संगठन जी, जिनको रोज सवेरे नील टीले पर अभ्यास कराते हैं। कहाँ पर? नील टीला है वहीं जन्मभूमि जी, जी नील टीले पर जी अवस्थित रेल खुदाई अभ्यास, मतलब 1 घंटा वर्जिश कराते थे जी, 1 घंटा अभ्यास करना हो करना है जी। ठीक है जी। 5 तारीख को सबको ड्यूटी बंट गई जी। जो सामान हमने लिस्ट दिया, जितने हैमर चाहिए जी, कितनी छेनियाँ चाहिए, कितने गेंदे चाहिए, कितने सप्पल चाहिए जी, कितना रास्ता चाहिए जी, ये हमको सब 3 तारीख को ही चना भिगोया रहना चाहिए, इतने नाश्ते में सब सारा मीनू होता जी। करना चाहिए जी। फिर हमने ड्यूटी तय कर ली जी, कौन लोग तख्त उठा करके आगे बढ़ाएंगे, कांटे अपने फोटो में कहीं देखे होंगे रास्ते में बांधे हुए कांटे देख करके चढ़ने के लिए। अच्छा, सारे उपकरण हम लोगों तैयार कर लिए, सबकी ड्यूटी बट गई जी। ये तय हो गया कि जब हम नारा बोलेंगे जी, जय सेसा अवतार जी, कोर्ट तय हो गया जी, जिसकी जो ड्यूटी अपनी कार्रवाई चालू कर देगा जी। फिर अपने कोई भी अधिकारी, संगठन के बड़े बड़े नेता कोई भी रुकने के लिए किसी भाषा में किस प्रकार भी बोलेंगे जी, लेकिन ये बिना ब्रेक की गाड़ी खुलेगी रुकने की। रमेश प्रताप ने आगे बताया कि कैसे बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के लिए कुशल आर्किटेक्ट और इंजीनियर से बातचीत की गई। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ढांचे को कैसे गिराया जाए। हैमर को इस पर हिला करके सरिया मार दिया जाएगा, हिला हो जाएगा, गिर जाएगा गुंबद, उसमें हम लोग असफल हुए। बहुत मोटा था ऊपर वाला पर। अच्छा, कैसे तोड़ना था? बताया था इंजीनियर ने कि ऊपर जो तिलस्म होता है मंदिर का, तो कुछ ऐसा जो सरिया ऊपर होती है जी, उसको कुछ फोंक देंगे तो भरभरा गिर जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, मतलब इंजीनियर से भी राय ली थी? सब कुछ किया गया था, हर चीज किया गया था, किसी भी कीमत पर नहीं बचना था जी। ज्यादा घुस गई जी हमारी कार्रवाई पर, कार्यकर्ता जो हर तरह से आए थे सब तोड़ना चाहते थे, सब उसको गिराना चाहते थे। भीड़ ज्यादा हुई इसलिए गिराने टाइम लगा जी। गिराया कैसे गया? जैसे बिल्डिंग था जी, नीचे से हमने खोद दिया जी, 3 फुट मलबा निकाल दिया जी चारों तरफ जी, चारों कोने छोड़ दिए जी, फिर उसमें रस्से बांधे जी चारों जी, अब विसिल बजा कर इशारा किया, रस्से खिंचवा दिए, सब अलग। बाबरी मस्जिद विध्वंस के पीछे छिपी घटनाओं पर बात करते हुए रमेश प्रताप हमें मोहन जी भागवत और गिरिराज किशोर के बारे में भी बताते हैं। ये दोनों आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख नेता थे। पुख्ता सबूत न मिलने के कारण इन पर हुई जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ट्रेनिंग में थे? आचार्य,
आचार्य गिरिराज किशोर जी थे मोहन जी भागवत ही थे जी। और फिर मोहन जी जोशी जी आते जाते थे जी। लास्ट में अशोक जी सिंगल भी आए थे जी। सिंगल जी समापन में आए होंगे जी। क्या बोले, क्या भाषण, किस टाइप का? समापन भाषण होता है, कार्यकर्ताओं को बोधित देते हैं जी। मतलब ये सच्ची बातें हैं बिल्कुल। आपने ऐसा तो नहीं किताब में कुछ करने के लिए, आप मतलब सच्चाई बोल रहे हैं? सच्चाई है। अच्छा, गिरिराज किशोर जी थे ट्रेनिंग में पूरा टाइम। मोहन जी भागवत भी थे पूरा टाइम थे। अच्छा, मतलब भाग दौड़ राइफल ट्रेनिंग इन्होंने भी नहीं 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 ट्रेनिंग नहीं करते तो अधिकारी के तौर पर उपस्थित रहते थे कि कार्यकर्ता कंट्रोल में रहे। बौद्धिक एक पीरियड होता हम लोगों जी, जो विचारात्मक जी देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के विषय में जो हमको बताते हैं जी। रमेश प्रताप ने हमें राम कथा मंच के बारे में भी बताया। रमेश के मुताबिक राम कथा मंच एक दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी नेताओं के विचारों का मंच था। रमेश ने हमें ये भी बताया कि साध्वी रितंबरा ने नारा दिया था, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है। देख रहे हो जी, अब इस गुलामी के प्रतीक का नामो निशान जड़ से मिटा दो जी। वे नहीं रहना चाहिए जी। एक पैर उमा भारती दबा रही थी, एक पैर विनय कटियार, बाबा ये क्या बोल रहे हो, बाबा ये क्या बोल रहे हो। बता रहे कि नारे टाइप के लगे थे रितंबरा और उमा भारती लगे थे। आखिरी ढांचा जब एक तो पहले उधर वाला गिरा जी, उत्तर दक्षिण गिरा जी, बीच वाला कोई गिरना था जी। उसी समय हमने दूरबीन से दिखाया रितंबरा जी, इनका कितना देर लगेगा, हमने कहा दूरबीन हमारे पास 40 दूरबीन रखे थे, उनका देखिए थोड़ा देर लगेगा जी। उन्होंने देखा होगा जी, मंच पर आई और भाषण हुआ जी, और फिर दोनों ने शुरू किया, राम नाम सत्य है, बाबरी ढांचा ध्वस्त है। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।